शाहरुख खान का क्रेज थिएटर्स में बवाल मचा रहा है, जहां उनकी लेटेस्ट फिल्म जवान थिएटर्स में लगातार भीड़ जुटा रही है। और रोमांस के बादशाह को मास एक्शन अवतार में लेकर आने वाली जवान के लिए पूरे हफ्ते थिएटर्स में जनता भीड़ लगाकर पहुंचती रही, क्योंकि पहले ही दिन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली जवान ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है और इस एक हफ्ते में फिल्म ने धुआंधार कलेक्शन किया है। दरअसल गुरुवार को रिलीज होने से फिल्म के पहले बॉक्स ऑफिस हफ्ते में 8 दिन मिले और जहां बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन लेकर आई जवान ने पहले वीकेंड में ही वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर डाला, लेकिन सोमवार से फिल्म का असली टेस्ट शुरू हुआ। हालांकि एक तो वर्किंग डेज शुरू हो गए और ऊपर से क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी दमदार पकड़ बनाए रखी और अब एक हफ्ते बाद जवान का कलेक्शन बहुत सॉलिड हो चुका है, क्योंकि बुधवार को भारत में जवान ने 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया और इसका टोटल नेट कलेक्शन 368 करोड़ से ज्यादा हो गया। हालांकि गुरुवार को भी फिल्म की कमाई में 20% की नॉर्मल सी गिरावट आई और 8वें दिन का कलेक्शन 18 से 19 करोड़ रुपए के बीच रहा, जिसके बाद अब जवान का नेट इंडिया कलेक्शन 386 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। वहीं पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म शाहरुख की ही पठान है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर जवान जाएगी, लेकिन बुधवार को रिलीज हुई पठान के पहले बॉक्स ऑफिस हफ्ते में 9 दिन थे, जबकि जवान में 8 है। और जहां जवान का हिंदी कलेक्शन शुक्रवार को 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा, इसीलिए इस मामले में शाहरुख की नई फिल्म उन्हीं की पिछली फिल्म पठान का 9 दिन का रिकॉर्ड बराबर कर लेगी, जबकि 10 दिन में 350 करोड़ कमाने वाली गदर 2 अब इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। वहीं इसके साथ साथ जवान को 400 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए अब सिर्फ 14 करोड़ रुपए की जरूरत है। वहीं गुरुवार को 18 करोड़ रुपए कमाने के बाद शुक्रवार को अगर फिल्म का कलेक्शन थोड़ा गिरता भी है तो कम से कम 14 करोड़ तो आ ही जाएंगे, इसीलिए 9वें दिन जवान का नेट इंडिया कलेक्शन 400 करोड़ पार कर जाएगा और इस आंकड़े तक पहुंचने वाली ये सबसे तेज फिल्म होगी। हालांकि अब तक सबसे तेज 400 करोड़ कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म पठान है, जिसे ये कमाल करने में 11 दिन लगे थे, जबकि गदर 2 ने 12 दिन में 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। लेकिन अब जवान इन दोनों बॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड अच्छे खासे अंतर से पार करने वाली है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी जवान ने बुधवार तक 660 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था और जहां ग्लोबल बॉक्स ऑफिस से फाइनल आंकड़े आने पर गुरुवार को फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़ रुपए से ज्यादा है और अब ये आंकड़ा 8 दिन में जवान के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को 700 करोड़ के बहुत करीब ले जाएगा। इसीलिए फिल्म को अगर ओवरसीज मार्केट में गुरुवार के दिन ग्रोथ मिलता है तो आज ही, वरना शुक्रवार की कमाई से तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 700 करोड़ रुपए के पार जरूर पहुंच जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के साथ शाहरुख की पठान बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जवान की कमाई कहां तक पहुंचती है। और जहां शाहरुख की लेटेस्ट फिल्म को अभी पहला हफ्ता ही बीता है, इसीलिए दूसरे वीकेंड में जवान की कमाई एक बार फिर से बढ़ेगी और सांसे के बाद फिल्म की कमाई और भी तगड़ी नजर आएगी। वैसे इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।